हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रुपेश कुमावत एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और गाइज, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ खैरतला न्यू हाईवे बाईपास, जो कि अब बन रहा है, मतलब उसका काम आ चुका है, उसका मैप आ चुका है और अब बस काम चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और ना वो बहुत बड़ा बाईपास बनने वाला है खैरतला, मतलब ना जो भी बड़े व्हीकल होंगे ना वो खैरतला में एंट्री करेंगे ही नहीं, वो बाहर की बाहर होके और अलग निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ और शाम के बज रहे अभी 3:30 है ना, तो अब चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अपने फ्रेंड है जो गुरना भाई, वो भी अपना वेट कर रहे हैं दुकान पे, तो उनकी कॉल आई थी, तो अब चलते हैं पहले उनकी दुकान पर, उसके बाद फिर अपन हाईवे देखने चलेंगे न्यू की क्या क्या काम चल रहा है उसका, ठीक है। सो लेट्स गो। तो अभी गाइज मैं अपने बड़े भाई गुरनाम सिंह के पास आ गया हूँ और गाइज हम आपको आज दिखाने वाले हैं जो खैरतला का न्यू हाईवे बाईपास बनने वाला है, मतलब जितने भी बड़े व्हीकल हैं वो सारे खैरतला में एंट्री नहीं करेंगे, वो सारे बाईपास से होके और सीधा अलवर के रूट पे निकल जाएंगे, मतलब ये न्यू बना है। तो गाइस अब हम आपको वहां ले चलते हैं और दिखाने वाले जो खैरतला का न्यू हाईवे बन रहा है। ये हमारी चाबी बाइक की लेके चलते हैं, बाइक हमने तैयार कर रखी है क्योंकि हमारा खिरकची से बाईपास आपको दिखाएंगे, अभी फिलहाल नया बन ही रहा है, कुछ काम चल रहा है, आगे तक दिखाएंगे आपको। और हमारे राजेश जी तैयार है, बैठे है और हमारी बाइक तैयार है, अब हम चलते है। ओके लेट्स गो। तो गाइस इन्होंने व्लॉग के हमारे सिर्फ शटर को डाउन कर दिया है और चलते हैं। और ये हमारे राजेश भाई भी है, ये भी चलने वाले हमारे साथ। बट गाइस पता क्या, आज ना राजेश का मोबाइल खराब हो गया है, तो ये ना अपनी वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए बेचारे का आज मूड ऑफ है। भाई मूड है, ऑफ नहीं करता, ऐसे मोबाइल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, रोते नहीं। गुरु नानक कॉलोनी होते हुए जा रहे हैं खिरकच्ची। गाइस अभी हम इको एरिया में एंट्री कर चुके हैं और बहुत दिनों बाद आए हैं हम यहाँ पे। जैसा कि आप गुरु नानक भाई को सुन पा रहे हो, बाईपास से हम निकलेंगे आगे चलिए, खैरतला का रोड है उस पर हम मिलेंगे जाके। और ये हमारा लीको का पार्क है, यहाँ पर मंदिर है शिव जी का, यहाँ से हम उसे जाते हैं। अब ये बस थोड़ा सा ही 50 मीटर रह गया है अपना किशनगढ़ रोड, ये किशनगढ़ रोड सामने आ चुका है, यहाँ से चलते हैं आगे होते हुए। और ये बस गाइड ये आ गया हमारा रोड, तो अभी गाइस हम खिरकच्ची जा रहे हैं और जहाँ से हाईवे स्टार्ट होने वाला है हम आपको वो रूट दिखाएंगे। तो अभी गाइस ये जो रूट आ गया है खिरकच्ची आ गया, आप देख रहे हो हम खिरकच्ची पहुंच चुके हैं और ये कट है जो हाईवे का निकलने वाला है, यहाँ से सामने से किशनगढ़ से रूट आ रहा है और इस कट से मतलब आपको एंट्री नहीं लेनी पड़ेगी, बाहरी बाईपास से निकल जाओगे आप। ये न्यू बाईपास है, बाईपास तैयार हो रहा है इधर खैरतला की तरफ अंदर बाजार में, और वो है खैरतला, आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये न्यू वाला बाईपास है, बाकी वहां से किशनगढ़ है, ठीक है। तो अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं इस हाईवे पे खैरतला के, जो न्यू हाईवे बनने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया खिरकच्ची का जो रूट आ रहा था, आप जिस किशनगढ़ से आओगे ना तो आप यहाँ पे कट लेना पड़ेगा, अगर आपको खैरतला में एंट्री नहीं लेनी, अरुण जाना है डायरेक्ट, तो आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। तो अब अपन आपको हम ये विजिट कराते हैं न्यू हाईवे, सो लेट्स गो, अब आप कराते हैं, ठीक है। वो है आपके जो किशनगढ़ का रूट, तो वहाँ से तो आप आओगे, ठीक है। बाकी जो बड़े व्हीकल होंगे उनको यहीं से पास किया जाएगा, तो आप चलते हैं अपना। तो अभी गाइज हम उस रूट से आ चुके हैं, ठीक है। ये वाला रूट है जो ये इस्माइलपुर चला जाएगा और बाकी अभी इस रूट पर हम आपको आगे चल के विजिट कराएंगे। ये जो बाईपास है ये खैरतला रूट जो आ रहा है, यहाँ पे ग्रीनलैंड होटल है, बड़ी सारी होटल है, ग्रीनलैंड फेमस है, तो ये रूट जस्ट ग्रीनलैंड के बगल से होता हुआ निकल रहा है, ठीक है। बाकी अब आगे चलते हैं और आपको विजिट कराते हैं, ये चला जाएगा इस्माइलपुर। Thank you.
हम आपको दिखा रहे हैं जो बाईपास हाईवे का आगे क्या है। हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब आगे बहुत ज्यादा कच्चा रास्ता है, आगे रास्ता बंद है, ठीक है। आगे जाके फ्लाई ओवर चढ़ने वाला है ये, ठीक है, फ्लाई ओवर बनेगा एंड उसके बाद मातो रोड की तरफ और अलोरा की तरफ रास्ता निकल जाएगा। तो मैंने आपको ये बाईपास भी दिखा दिया है क्योंकि न्यू बनने वाला है, इसका पूरा मैप आ चुका है एंड इसका बजट भी आ चुका है। तो बस अब बनने वाला है, काम यहाँ पे चल रहा है पूरा हाईवे पर। बाकी अभी अपन चलता है, ये अपनी कोरोना कॉलोनी का रूट जाने वाला है वापस, तो अपन चलता है वापस। और गाइस फ्यूचर में ना ये हाईवे बनने वाला है तो यहाँ के जो प्लॉट है ना बहुत महंगे हो जाएंगे। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप अगर यहाँ पे कभी खैर विजिट करो ना तो इस हाईवे पे जरूर विजिट करना, बट कब, जब बनने के बाद, क्योंकि अभी फ्लाई ओवर भी बनना बाकी है यहाँ पे। और ये हमारे बड़े भाई है क्योंकि यही हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये हमें लाइक लेके आए, पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये खैरतल के, हम खैरतल बहुत अच्छा एरिया है, शांत है पूरा, अच्छा है, यहाँ पर कोई लड़ाई दंगे नहीं, बहुत प्यार से रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत प्यार से रहते हैं। धन्यवाद बाबा नगर। तो अभी गाइज हम हाईवे विजिट करके आ चुके हैं और हमने आपको भी दिखा दिया है जो हाईवे बनने वाला है वो कितना बड़ा बनने वाला है। और आप दुकान में बैठे हैं, भाई की दुकान है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा विजिट करके, घूमकर मजा आए सही में, बहुत मतलब इतना चौड़ा और इतना बड़ा हाईवे बनने वाला है और जो फ्लाई ओवर जो बनेगा ना मतलब बहुत गजब मैप बनाया है सही में। तो अभी गाइज फाइनली मैं आ गया हूँ घर और मैंने आपको दिखा दिया है खैरतल का न्यू हाईवे बाईपास। और गाइस पता है क्या है, वो खैरतल में एक ऐसा फर्स्ट बाईपास है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है और काफी चौड़ा भी है और अब तो फ्लाई ओवर मतलब बनने वाला है उस पर, तो मतलब बहुत मजा आने वाला है गाइस। फिर भी ना मतलब एक अच्छा लग रहा है कि अभी खैरतल डेवलप हो रहा है ये देख के, है ना। तो फिर भी गाइस आई होप कि आपको आज की व्लॉग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।